Hello students, today we are going to deal with the physiology of excretion in insects and osmoregulation in insects. पिछले दो lectures में हम excretion के बारे में insects में किस तरह से excretion होता है और excretory organs क्या है इनका अध्ययन कर चुके हैं. फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ. excretion एक ऐसा process है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के भीतर रहते हुए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है और जो मेटाबोलाइट्स बॉडी में अधिक मात्रा में हो जाते हैं उन्हें अपनी बॉडी से इलिमिनेट करता है. यह कार्य प्रत्येक कोशिका में होता है लेकिन वृहद स्तर पर यानी कि मुख्य रूप से यह कार्य एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है. किसी भी कोशिका के भीतर या कोशिका से बाहर पदार्थों का पैसेज होता कहाँ से है, जैसे कि आपको ध्यान हो कि पिछली बार मैंने आपको एक चित्र दिखाया था जिसमें कि आपको सेल मेम्ब्रेन को एनलार्ज करके बताया हुआ, तो उसमें आपने स्पष्ट रूप से देखा और समझा होगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का पैसेज जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लेयर्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, इसलिए वेस्ट सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन से पास होंगे, सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में जाएंगे, साइटोप्लाज्म से फिर आगे दूसरी और कोशिका से होते हुए इस प्रकार जीव के शरीर से बाहर जाते हैं. वेस्ट सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होते हैं और या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा पास किए जाते हैं, यानी कि यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा होते हैं तो ये कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है तो इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है एटीपी की फॉर्म में, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इनको पास किया जाता है. अब यदि हम बात करें टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में, तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में बॉडी के भीतर और बॉडी के बाहर पदार्थों के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. सेल से किसी भी पदार्थ का ट्रांसपोर्ट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के भीतर जाएगा व कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा. ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम से नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स, वाटर, अमाइनो एसिड व पिगमेंट्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और उनकी एक निश्चित कंसंट्रेशन को बॉडी में बनाकर रखा जाता है. इंसेक्ट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन पदार्थों को इलिमिनेट करता है, तो ये सभी नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ही एक्सक्रीटरी सिस्टम इलिमिनेट करता है. टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें कि वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड या यूरेट्स, यूरेट्स क्या है, सॉल्ट ऑफ यूरिक एसिड की यूरिक एसिड के साथ सॉल्ट जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और दूसरे जो है मेटाबोलाइट्स कंबाइन हो जाते हैं और सॉल्ट्स का निर्माण करते हैं, तो उनको हम यूरेट्स कहते हैं. तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो या तो यूरिक एसिड है और उसके साथ साथ यूरेट्स भी होते हैं, और ये जल में अघुलनशील होते हैं व इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है. इस तरह के एक्सक्रीशन को हम यूरिकोटेलिज्म कहते हैं. इसी तरह से यदि एक्वेटिक इंसेक्ट्स में हम देखें तो वहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होती है. अब क्योंकि अमोनिया जल में सॉल्युबल होती है वह इसके बॉडी से रिमूवल के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से अमोनिया को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस जो है वो अमोनोटेलिज्म कहलाता है. अब कुछ इंसेक्ट्स में, जैसा कि आपने पढ़ा, इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन का काम मुख्य रूप से मेल्पिजियन ट्यूब्यूल करती है, तो कुछ इंसेक्ट्स में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का डिस्टल पार्ट जो है, डिस्टल एंड है उसका, वो रेक्टल वॉल के क्लोज कांटेक्ट में होता है और पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन के द्वारा रेक्टम के कांटेक्ट में रहता है. इन एनिमल इंसेक्ट्स में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को डायरेक्टली रेक्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्रिप्टोनेफ्री कहा जाता है. इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चंस में आ सकते हैं, व्हाट इज़ क्रिप्टोनेफ्री, व्हाट इज़ अमोनोटेलिज्म, व्हाट इज़ यूरिकोटेलिज्म. तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की, कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स किस तरह अपना काम करती हैं
और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालती हैं। मैल्पिजन ट्यूब्यूल में यूरिन फॉर्मेशन मुख्य रूप से प्रोटोन पंप पर निर्भर करता है। मैल्पिजन ट्यूब्यूल की एपिकल मेम्ब्रेन में प्रोटोन पंप उपस्थित रहता है और ये सेल्स ट्यूब्यूल के ल्यूमन में प्रोटॉन्स को एक्टिवली सिक्रीट करती हैं और यह सिक्रीशन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि इसमें आपको एनर्जी की एटीपी के रूप में आवश्यकता होती है। प्रोटॉन पंप ट्यूब्यूल ल्यूमन को पॉजिटिव बना देता है और ट्यूब्यूल ल्यूमन की पीएच को बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर देता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट एंटीपोर्टर मैकेनिज्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोटॉन के लिए पोटेशियम आयन को एक्सचेंज करती है और ये एक्सचेंज होता कहाँ है, ये एपिकल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट होता है। यदि आप इसमें चित्र में देखें तो आपको इसमें अलग अलग संरचनाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। इसमें यदि आप देखें तो ये आपको जो रॉड्स की फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, ये रॉड्स जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और ये जो ऑरेंज आप इसमें डॉट देख रहे हैं, ये ऑरेंज डॉट जो है ये VTPase को यहाँ प्रदर्शित करती है। तो एपिथेलियल सेल्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एपिथेलियल सेल्स में ये माइक्रोविलाई हैं सारे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये माइक्रोविलाई ट्यूब्यूल की ल्यूमन में, ये ट्यूब्यूल की ल्यूमन है, तो ट्यूब्यूल की ल्यूमन में माइक्रोविलाई जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या काफ़ी होती है, जो कि आपको ये लंबी लंबी ग्रीन कलर की रॉड्स की रोप में दिखाई दे रही हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोटोन पंप के लिए एटीपी उत्पन्न करती हैं। ये एपिथेलियल सेल्स में माइक्रोविलाई और एपिथेलियल सेल्स में उपस्थित होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और यही माइटोकॉन्ड्रिया इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी प्रोवाइड करती हैं, जो कि प्रोटोन का ट्रांसफ़र होता है। और यदि इसमें आप देखें ऑरेंज सर्कल आपको ये VTPase के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटोन को ट्यूब्यूल ल्यूमन में पंप करते हैं। जब प्रोटॉन्स एपिथेलियल सेल से रिमूव हो जाते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट करता है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं। कौन कौन से पॉजिटिव आयंस, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी हीमोलिम्फ से सेल के भीतर आ जाते हैं, और इन पॉजिटिव आयंस के इन्फ्लक्स के कारण ही नेगेटिव क्लोराइड आयंस भी साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और आकर वहाँ पर चार्ज को बैलेंस करते हैं। ये आयंस सेल के साइटोप्लाज्म से गुजरते हुए गति करते हैं, और जिस पाथवे से ये गति करते हैं, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में से होकर गुजर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म में इनके निकलने का पाथवे ट्रांस सेलुलर पाथवे कहलाता है। अगर आयंस के इन्फ्लक्स को हम देखें तो आयंस के इन्फ्लक्स के साथ साथ ऑस्मोसिस से वाटर भी मैल्पिजन ट्यूब्यूल की ल्यूमन में आता है, और यह मूवमेंट, यानी कि वाटर का मूवमेंट होता कहाँ से है, एपिथेलियल सेल्स के बीच का जो स्पेस रहता है, दो एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स के बीच का, वहाँ से ये वाटर जो है पास होकर आता है, और इस पाथ को पैरा सेलुलर पाथवे कहा जाता है। वाटर के साथ साथ शुगर व अमाइनो एसिड्स भी डिजॉल्व होकर ल्यूमन में आ जाते हैं। अब क्योंकि शुगर्स व अमाइनो एसिड्स यूजफुल होते हैं, तो इनको बाद में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जिन सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली एटीपी पर निर्भर करता है, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल मैल्पिजन ट्यूब्यूल में प्रोटॉन्स का पंपिंग होता है, तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जबकि आयंस व वाटर का ट्रांसपोर्ट पैसिव होता है और ये डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, लेकिन इनका ट्रांसफ़र प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट पर ही निर्भर करता है, तो इनडायरेक्टली आयंस और वाटर का ट्रांसपोर्ट भी एटीपी डिपेंडेंट होगा, क्योंकि यदि प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो उसके बाद ही आयंस और वाटर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। जैसे कि पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है हीमोलिम्फ में यूरिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कंबाइन होकर सोडियम व पोटेशियम यूरेट बनाते हैं। सोडियम और पोटेशियम यूरेट सॉल्ट्स
वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं और मेलपिजन ट्यूब्यूल द्वारा बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन की फॉर्म में ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि रॉडनियस में अगर हम देखें तो इनमें मेलपिजन ट्यूब्यूल दो पार्ट्स यानी कि प्रॉक्सिमल पार्ट जहाँ पर कि जिनकी सेल्स जो है ब्रश बॉर्डर सेल्स कहलाती हैं, और डिस्टल पार्ट जहाँ की सेल्स जो है वो हनी बॉर्डर सेल्स कहलाती हैं, में विभाजित होता है। यूरेट्स का एक्वस सॉल्यूशन हमेशा डिस्टल पार्ट में ही एब्जॉर्ब होता है और मेलपिजन ट्यूब्यूल की ल्यूमन में डिस्टल पार्ट पर यूरेट्स ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होते जाते हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं और फिर वहाँ से ये धीरे धीरे प्रॉक्सिमल पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और प्रॉक्सिमल पार्ट से फिर ये आगे गट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल में जाते जाते यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट होता जाता है, यानी कि इसमें से जल का अवशोषण लगातार धीरे धीरे होता रहता है। एल्कलाइन पीएच में कार्बोनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में यूरेट्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की उपस्थिति में, और ये बाइकार्बोनेट व यूरिक एसिड को रीजनरेट करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस मेलपिजन ट्यूब्यूल की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और बाद में वाटर व कार्बोनेट्स अथवा बाइकार्बोनेट्स ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर ले जाते हैं और केवल यूरिक एसिड ही ल्यूमन में ट्रांसफ़र किया में बचता है। अब सेमी सॉलिड यूरिक एसिड जो है इसके पार्टिकल्स हाइंडगट की ल्यूमन में चले जाते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेलपिजन ट्यूब्यूल से, और हाइंडगट में फिर से यूरिक एसिड का प्रेसिपिटेशन होता है और इससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और कुछ दूसरे मेटाबोलाइट्स इलियक व रेक्टल वॉल में रिजॉर्प्शन हो जाता है उनका, और फिर वहाँ से ये हीमोलिम्फ में चले जाते हैं। मिडगट और हाइंडगट के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, और जब ये स्फिंक्टर बंद होता है तभी हाइंडगट में मेलपिजन ट्यूब्यूल से कंटेंट आता है। ये एक अत्यावश्यक स्टेप है जिसको कि याद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ दूसरे इंसेक्ट्स जैसे कि केरोशियस में, ये तो हमने बात की अभी तक ऐसे इंसेक्ट की रॉडनियस जैसे जिनमें कि मेलपिजन ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट में विभाजित रहती है, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि केरोशियस में मेलपिजन ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल व डिस्टल पार्ट में विभाजित या विभेदित नहीं होती, वह पूरी की पूरी मेलपिजन ट्यूब्यूल ही डिस्टल पार्ट की तरह कार्य करती है और यूरेट्स को एब्जॉर्ब करती है और यूरेट्स का यूरिक एसिड व सॉल्ट में स्प्लिट होता रहता है। स्प्लिट होने का कार्य जो है वो रेक्टम में जाकर होता है। मेलपिजन ट्यूब्यूल से रेक्टम को लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की कंटिन्यूस सप्लाई होती रहती है और इस सप्लाई के साथ साथ यूरिक एसिड भी रेक्टम में रिलीज कर दिया जाता है और फिर ये यूरिक एसिड फिशेस के साथ एनस से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इंसेक्ट्स में एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म वास्तव में हीमोलिम्फ के फ्लूड का ही फिल्ट्रेशन करता है, क्योंकि जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो हीमोलिम्फ में बॉडी में आ जाते हैं और फिर हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म द्वारा उनको फिल्टर कर दिया जाता है। लेकिन हीमोलिम्फ के जो प्रोटीन्स होते हैं वो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं तो वो फिल्टर होकर मेलपिजन ट्यूब्यूल में नहीं जाते, और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पर निर्भर करते हुए एक्सेस सॉल्ट और वाटर को एलिमिनेट किया जाता है और फिर उनको कंजर्व करके पुनः वाटर और सॉल्ट्स को आयनिक व वाटर बैलेंस करके एक्सक्रीशन द्वारा मेंटेन किया जाता है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनको एक्सक्रीट कर लिया जाता है और यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर और आयंस हैं उनका रिजॉर्प्शन कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यूरिन में कौन कौन से एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स के द्वारा लिए गए भोजन पर और जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, इन दो बातों पर ही यूरिन की फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो निर्भर करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब है उसकी अपीयरेंस कैसी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसका पीएच क्या है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स में यूरिन मात्रा में अत्यधिक होता है और बिल्कुल क्लियर होता है। टेरेस्ट्रियल व मराइन इंसेक्ट्स में यूरिन ड्राई पैलेट्स के रूप में होता है और या फिर ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। स्ट्रोडगेन पेस्ट में यूरिन बोन ड्राई पाउडर की फॉर्म में होता है।
और यूरिन का पीएच मेल्पिजन ट्यूब्यूल में 7.2 से लेकर 7.8 तक वेरी कर सकता है और गट में 6.0 से लेकर 6.6 तक होता है। अब यदि हम बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन की, तो यह निर्भर करता है इंसेक्ट्स के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पर और उस वातावरण में जिस पर कि वो रहता है कि यूरिन में वाटर व सॉल्ट्स भी होंगे। अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो यूरिन में सॉल्ट जो है बाइकार्बोनेट होते हैं, सोडियम व पोटेशियम के क्लोराइड होते हैं, फास्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं और इसके अतिरिक्त सल्फेट्स भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो होती है यूरिन में यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया या अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में होती है और इसके अतिरिक्त यूरिन में कुछ पिगमेंट्स और ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। तो हम अगर बात करें नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिक एसिड की। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है। वाटर कंजर्वेशन असेंशियल होता है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के लिए, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीशन के लिए भी जल की मात्रा कम चाहिए, अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम से डिस्चार्ज के लिए बहुत कम मात्रा में यूरिन जल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यह टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के लिए एक उपयुक्त मैकेनिज्म है। टोटल एक्सक्रीटा में यूरिक एसिड की मात्रा 28% होती है टीनियोला में और 85.8% होती है बॉम्बिक्स के लार्वा में, तो ये इस लेवल तक वेरी कर सकता है। जहाँ पानी की कमी हो वहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन स्फीयर या स्फेरिकल ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। फ्री यूरिक एसिड के साथ साथ यूरेट्स भी एक्सक्रीट हो सकते हैं, जैसे कि अमोनियम यूरेट, कैल्शियम यूरेट, सोडियम यूरेट और पोटेशियम यूरेट। अब यूरिक एसिड जो है उसका निर्माण होता किससे है? यूरिक एसिड प्यूरिन्स जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन के मेटाबॉलिज्म से प्राप्त होता है और प्रोटीन्स जैसे कि ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टेट, इनके भी मेटाबॉलिज्म से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अमोनिया की। मीट फीडर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे कि कैलिफोरा एंड ल्यूसीलिया लार्वा। और ये एक्वेटिक इंसेक्ट्स में मेन नाइट्रोजिनस कंपोनेंट होता है यूरिन का। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसके एलिमिनेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो उसकी आवश्यकता होती है यूरिन में। कुछ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स बहुत थोड़ी क्वांटिटी में उनके ड्राइड एक्सक्रीटा में अमोनिया पाया जाता है, जैसे कि मेलेनोपस में। अब यदि हम बात करें यूरिया की, तो ये इंसेक्ट यूरिन जो है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी जो है यूरिया की उसमें पाई जाती है। इंसेक्ट के यूरिन में अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इंसेक्ट के यूरिन में पिगमेंट्स जैसे कि टेरिडिन जैसी पिगमेंट्स जो है वो इंसेक्ट के यूरिन में बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। और कुछ दूसरे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जैसे कि अलेंटोइन, जेंथीन, हाइपोजेंथीन, अलेंटोइक एसिड, ये सभी कंपाउंड्स जो है वो उसमें यूरिन में पाए जाते हैं और ये यूरिक एसिड के डिग्रेडेशन से प्राप्त होते हैं। अब यदि हम बात करें इंसेक्ट्स में कुछ ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट भी यूरिन में प्लांट फीडिंग कैटरपिलर्स में और फैसेट्स में पाया जाता है और कुछ दूसरे पिगमेंट्स जैसे कि ओमोक्रोम, बिलीवर्डिन, सैलिसाइलिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फेट भी ट्रेस क्वांटिटी में बहुत सारे इंसेक्ट्स में यूरिन में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन की, कि ऑस्मोरेगुलेशन एक्चुअली है क्या। ऑस्मोरेगुलेशन इज द वाइटल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म मेंटेनिंग द हीमोलिम्फ आयनिक एंड वाटर बैलेंस, दैट इज द हाइड्रोमिनरल होमियोस्टेसिस, यानी कि इंसेक्ट की बॉडी में होमियोस्टेसिस का कार्य जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन के द्वारा हो रहा है। द मैकेनिज्म डिफर इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, फ्रेश वाटर इंसेक्ट्स एंड सॉल्ट वाटर इंसेक्ट्स, तीनों में मैकेनिज्म जो है वो अलग अलग होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स और रेक्टल एपिथीलिया इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑस्मोरेगुलेशन।
एक्वेटिक इंसेक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं डाइल्यूट वेस्ट एनस से डायरेक्टली इनटू द वाटर बाय फ्लशिंग विद वाटर, जबकि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स दे मस्ट कंजर्व द वाटर. दिस रिक्वायर्स एफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल इन ए कंसंट्रेटेड और इवन ड्राई फॉर्म, साइमल्टेनियसली अवॉइडिंग द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द नाइट्रोजन. बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स मस्ट कंजर्व आयंस लाइक सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड दैट मे बी लिमिटिंग इन देयर फूड और लॉस्ट इन टू द वॉटर बाय डिफ्यूजन. देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट एक्सक्रीटा आइदर इट इज यूरिन और इट इज इन द पैलेट फॉर्म इज अ रिजल्ट ऑफ टू रिलेटेड प्रोसेसेस दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. इट कॉजेज द मेंटेनेंस ऑफ द फेवरेबल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आयनिक कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. तो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन द इंसेक्ट्स. इन फ्रेश वाटर इंसेक्ट्स हीमोलिफ कॉम्पोजिशन इज रेगुलेटेड इन रिस्पॉन्स टू लॉस ऑफ आयन्स टू द सराउंडिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्पेशल सेल्स. क्लोराइड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द हाइंड गट दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग इनऑर्गेनिक आयन्स फ्रॉम द डाइल्यूट सोल्यूशन एज इन द नाइट्स ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसल फ्लाइज. द डाइयूरेटिक एंड एंटी डाइयूरेटिक न्यूरो हॉर्मोन्स कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द हीमोलिम्फ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन इन द टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स. द टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स ऑब्टेन सॉल्ट्स अलोंग विद फूड एंड इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स इन द हीमोलिम्फ is controlled by absorption by the Malpighian tubules and subsequent resorption by the rectum. By this mechanism, insects efficiently regulate the composition of salts of the hemolymph despite variable salt concentration in the diet. The osmotic pressure is often maintained at the stable level. The fluid of the Malpighian tubule is moreover isoosmotic, but the concentration of potassium is always 6 times higher in the tubules than the hemolymph. The other inorganic ions, sugars, amino acid and urea occur in lower concentration in the Malpighian tubule fluid than in the hemolymph. The sodium, like the potassium, is also actively secreted by the Malpighian tubules, but it occurs in lower concentration than that in the hemolymph. The transport of chloride ions is carried out by active transport, while that of other substances by the passive transport across the wall of Malpighian tubule. The urine of terrestrial insects which feed on blood meal, consists of water and salts predominantly and a little quantity of uric acid. The proximal part of Malpighian tubule and rectum, they carry out resorption of water, salts and organic molecules from the urine as in the case of Rhodnius, but by the rectum alone as in the case of the Carausius, because in Carausius the Malpighian tubule is not divided into the proximal and the distal part. The major role of rectum is in the resorption of water, ions and organic substances from the Malpighian tubule fluid occurs in the terrestrial insects. About 90% of the sodium and 80% of potassium are reabsorbed by the rectum from the tubule fluid. Calcium in some insects like Carausius is absorbed by Malpighian tubules and it is converted into calcium carbonate or oxalate in the tubule fluid, which is later on resorbed into the hemolymph by the rectum and deposited in the chorion of the eggs. Water, on the other hand, is lost through the body by evaporation from the integumentary cuticle, though it is initially restricted by a waxy layer of epicuticle. The rate of fluid production by the Malpighian tubules
is stimulated by the diuretic hormone, while the resorption of water from the rectum is the osmotic process, and it conserves or eliminates water in relation to the dehydration and hydration conditions respectively. The insects obtain water with their food, though it requires in very little quantity. Some insects like Aphistia and Dermestes larvae, they obtain water from the metabolic process. Many insects are found to drink water during dehydrated conditions like cockroach, termite, locust, beetles, Lepidoptera and some Hymenoptera. Now if we talk about the osmoregulation in freshwater insects, sodium, potassium and chloride are resorbed by the active transport, and because of this reason the urine is hypotonic to the hemolymph before the resorption of major ions, and osmotic pressure of the rectal fluid is maintained about 60% of that of the hemolymph. Some aquatic dipteran larvae gain the salts through the anal papillae, particularly sodium, potassium, chloride and the phosphates, and these are taken by the active transport. The dragonfly nymphs absorb sodium and chloride from the external water media through rectal basal epithelia by the similar method, yani ki by the active transport. In this way, the freshwater insects regulate the osmotic pressure of the hemolymph. The hemolymph of the freshwater media insects is normally hypertonic to the water, and they do not need the uptake of water through the gills, anal papillae and the general integument. All these structures are very permeable. There is no evidence of water gain by drinking in the freshwater insects. They, on the contrary, produce a copious urine as a result of little resorption of water in the rectum. They in this way efficiently adapted for hyperosmotic regulation. Now, how the salt water insects, marine insects, osmoregulation is carried out in them? The salt water insects like the larvae of Aedes detritus, Coelopa, Ephedrella, they are adapted to tolerate 3 to 10 folds increase in the hemolymph osmotic pressure, and sometimes even greater than the salinity of the sea water. They regulate the ionic composition of hemolymph, and they regulate it by gaining the salts with the diet and losing water osmotically, and sometimes conserving water and excreting a urine which is often hypertonic to the hemolymph. The hypertonic fluid of the Malpighian tubules is secreted into the rectum by the active transport of sodium, potassium, magnesium and chloride ions. The hemolymph is often hypotonic to the medium due to the excess water loss in the urine. Sometimes drinking and absorption in the midgut compensates the water ions. Because of these physiological adaptations, they are well adjusted to the hypertonic environment. In this way, you have gone through all the facts about the excretion and osmoregulation in the insects. In the next lecture, we'll deal with the new topic. Thank you.